नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां ऋषि बोलेगा लक्ष्मी से कि लक्ष्मी मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, अब एक काम करो, अगर तुम्हें पैसे ही कमाने हैं तो मेरी और मलिष्का की जो एंगेजमेंट हो रही है उसके लिए काफ़ी ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ेगी, तुम एक ज्वेलरी शॉप पर काम कर लो और हम वहाँ से ज्वेलरी खरीदेंगे, तुम्हें काफ़ी अच्छा कमीशन भी मिलता हुआ नज़र आएगा, जिसमें कि एक बार फिर से लक्ष्मी ऋषि से बोलती हुई नज़र आएगी कि जो तुम कर रहे हो ऋषि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मलिष्का खाली तुम्हें पाना चाहती है, बाकी कुछ नहीं है, तुम मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन दोस्तों ऋषि लक्ष्मी की एक बात नहीं सुनता और आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से लक्ष्मी मलिष्का के पास में पहुंचती है और बोल लेगी कि तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल ही गया आखिरकार, जिसमें मलिष्का बोलती है कि तुम्हारी औकात क्या है देने की, ये मैंने खुद ने अपनी जिद से हासिल किया है, जिसमें लक्ष्मी बोलेगी कि हाँ ये तो हकीकत है, लेकिन तुम चाहे ऋषि से शादी कर लो लेकिन ऋषि तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, ऋषि का प्यार तो तुम जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाओगी, खाली तुम अपनी जिद के सामने झुका सकती हो ना कि किसी को अपना सकती हो। और उसके बाद मलिष्का बोलेगी कि जो मैंने चाहा जीत आखिरकार मेरी हुई, और एक दूसरे के साथ में लक्ष्मी और मलिष्का के जो कि 36 का आंकड़ा और फाइट होती हुई नजर आती है। आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी ने हमेशा से ही पूरे परिवार का भला चाहा है, ओबेरॉय परिवार का, लेकिन ओबेरॉय परिवार में जो अब शादी होने जा रही है इसके लिए जो कि लक्ष्मी को जो जिसका मन करता है वो ही ताने मार रहा है, और इस समय मलिष्का काफ़ी ज़्यादा ताने मारती हुई नज़र आ रही है लक्ष्मी से, और लक्ष्मी से बोलती हुई नज़र आ रही है कि तुम अपनी पैकिंग कर लीजिए, तुम्हारा जाने का समय हो चुका है इस घर से, और इस घर में दोबारा अपनी शक्ल लेकर मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन दोस्तों जो कि लक्ष्मी ऋषि से बात करेगी, लेकिन ऋषि बोल देगा कि यहाँ से जाने के बाद में एक काम करना, तुम ज्वेलरी शॉप पे काम करोगी तो मैं वहाँ से ही मलिष्का के लिए ज्वेलरी खरीदूँगा, जो कि तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाएगा और तुम्हें अच्छी खासी जो कि अर्निंग भी होगी, कमीशन भी मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों से आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके गाइस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।